एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। नल पर पानी लेने गई लड़की का मोबाइल जब्त, करीबन एक माह पहले नाबालिग लड़की अश्लील हरकत की जिसकी शिकायत पुलिस को भी की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना 11 जून करीबन शाम 6 बजे की है। 14 वर्षीय लड़की अपने घर के पास इंडिया मार्ग का हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। आरोप है जहां गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने लड़की का मोबाइल फोटो खींचा। आरोप है कि फोटो खींचने का विरोध करने पर लड़की के साथ अश्लील हरकत भी की है। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या घटना हुई आपके साथ में? मैं नल पे पानी लेने गई थी शाम के 5 बजे करीब जी। तो मैं जब पानी भर रही थी तो वो लड़का अपने घर से निकल के आया और फिर अपनी दीवार के सहारे से खड़ा हो गया जी। मैंने ध्यान नहीं किया, जब मैंने अपना चेहरा ऊपर को उठाया उसने मेरे 4-5 फोटो खींच लिए। अच्छा, फिर कोई बात नहीं, मैं अपने घर को जा रही थी, फिर मेरे चाचा आए थे। मेरे घर पर कोई नहीं था, सब लोग इधर ही थे। मेरी चाची की तबीयत खराब थी। अच्छा। तो मैंने फिर अपने चाचा से कहा था तो वो कह रहे थे कि क्या नाम है आपका? जयप्रकाश जी। क्या घटना हुई आपके बच्ची साथ में? वो मेरे लड़की के साथ में फोटो खींचा और मारपीट की उन लोगों ने, और फिर हमने उनके साथ विरोध किया तो मारपीट होने के बाद फिर पुलिस मामले गए, तहरीर देने गए तो पुलिस ने कोई भी वो एक्शन नहीं लिया। अच्छा। और कई बार गए, अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया है पुलिस ने। पुलिस आई थी आपके? हाँ आई थी जी। कितनी उम्र की बच्ची है आपकी? 14 साल की। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस लौट जाती है, आती है पैसे के बल पे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही आपकी? कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी। कैसे लोग हैं जिन लोगों ने आपको बताइयों से? नाम प्रजापति।